इस एपिसोड के ओशो जेन टारो में हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन की। कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं थ्री ऑफ कप्स से, जो कि राइडर वेट का थर्ड कार्ड है कप्स की सीरीज का। थ्री ऑफ कप्स को जब हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं तीन लड़कियां जो हैं उसमें वाइन का ग्लास हाथ में, उन्होंने कप्स जो हैं हाथ में लिए हैं और वो डांस करते हुए दिखाई गई हैं, एक सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई गई हैं। कार्ड की एसेंस में जाएंगे तो कार्ड की एसेंस में हम देख सकते हैं देर इज़ जॉय, देर इज़ सेलिब्रेशन इन द कार्ड। और सिर्फ वुमन ही क्यों दिखाई गई, आदमी क्यों नहीं दिखाया गया? कारण ये है कि जब भी हमें प्रेम को दिखाना होगा, जब भी हमें सेलिब्रेशन को दिखाना होगा, जब भी हमें लाइफ को दिखाना होगा, हम जो है वुमन को सिंबलाइज करते हैं वहाँ पे। इसलिए वुमन जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है सेलिब्रेशन का, कि आपका जो भीतरी जो तत्व है, जो वो जो फेमिनिन नेचर है, जब वो खिलता है तो वहाँ पे सेलिब्रेशन घटती है। आप तीनों की ड्रेसेस देख सकते हैं, तीनों के अलग अलग रंग हैं और आसपास जो है एक तरह की ग्रीनरी और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं खिले हुए हैं, जो कि सिंबलाइज करता है कि दैट लाइफ इज़ ब्लॉसमिंग, कि लाइफ खिल रही है, लाइफ ब्लॉसम कर रही है, एक जूसी लाइफ शो करी गई है। और ये जो तीनों वुमन हैं, ये जो अपने मग्स को रेज कर रही हैं, अपने कप्स को रेज कर रही हैं, वो सिंबलाइज कर रहा है कि दैट देर इज़ नथिंग ग्रेटर देन लाइफ, दैट बीइंग इन दिस लाइफ इज़ सो कम्प्लीट, इज सो फुलफिल्ड, इट्स फुल ऑफ जॉय, इट्स फुल ऑफ सेलिब्रेशन। और जब हम सेलिब्रेशन कार्ड की बात करते हैं तो ये तो जो सेलिब्रेशन कार्ड है वो एक इन्हांस वर्जन है थ्री ऑफ कप्स का। यहाँ पे भी वही तीन वुमेन जो हैं सेलिब्रेट करती हुई दिखाई गई हैं, लेकिन ग्लास जो है हाथ से निकाल लिया गया है। उसका सिंपली एक जो रीज़न जो यहाँ पे पीछे दिया गया है वो ये कि यू डोंट नीड अ रीज़न टू सेलिब्रेट, दैट लाइफ एवरी मोमेंट इज़ अ सेलिब्रेशन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बारिश को दिखाया गया है, और बारिश अपने आप में एक बहुत एक स्पिरिचुअल सिंबल है। बारिश के कारण जो है आप इनके भीतर जो है कुछ खिल रहा है, लाइफ जो है वहाँ पे खिल रही है। और इनके चेहरों की तरफ अगर आप देखेंगे तो इट्स फुल ऑफ जॉय, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेलिब्रेशन, एंड दिस इज़ व्हाट द मैसेज ऑफ द कार्ड इज़, दैट सेलिब्रेट लाइफ। बारिश में भीगना जो है अपने आप में एक बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव है। बारिश में भीगना कुछ ऐसा है कि आप दोबारा से बच्चे हो गए, आप दोबारा से अपने चाइल्डहुड में जो है वापस चले गए। और वो जो बारिश जो आपके ऊपर पड़ रही है, वो बूंदे जो हैं वो अमृत की बूंदे हो गई, और वो अमृत जो है वो आपके भीतर के अमृत को जो है जगा रहा है। आपके भीतर का जो एक सेलिब्रेटिव नेचर है, एक नाचता हुआ, एक गाता हुआ, एक इंजॉय करता हुआ वो जो नेचर है, उसको रिमाइंड करा रहा है। और इसके लिए कोई आपको ओकेजन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बहाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भी कोई किसी का बर्थडे होना चाहिए, किसी की शादी होनी चाहिए, या फिर कोई खास मौका होना चाहिए। लाइफ अपने आप में एक इतनी बड़ी मोमेंट है कि एवरी मोमेंट व्हाटएवर इज़ कमिंग इज़ सो ब्यूटीफुल कि दैट वी नीड टू सेलिब्रेट, कि उसका एक एक क्षण जो है उसको हम जी सकें, अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। कुछ भी खोने जैसा नहीं है। यहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं कि वो समय काट रहे हैं, उनसे समय नहीं कटता, लेकिन वो ये नहीं देखते कि समय उनको काट रहा है। हम समय को क्या काटेंगे, हम तो बहुत थोड़े से समय के लिए यहाँ पर हैं, और समय बलवान है, समय ही हमें काट रहा है। और जो ये थोड़ा सा जानने लग जाता है कि जिसके पास इतना कम समय है, ये जो लाइफ जो हमें दी हुई है वो इतना कम समय है उसके अंदर, और ये कभी भी ली जा सकती है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें समय काटना है, कि हमें टाइम पास करना है। यू विल रियलाइज इट, यू नो दैट दिस इज दैट दिस मोमेंट वट एवर यू हैव इज सो शॉर्ट कि आप इसको जो है अच्छे से जी लें, कि दैट यू लिव टू इट्स फुलेस्ट, कि इसका पूरा जूस जो है आप निकाल लें। और ओशो का मैसेज इस कार्ड का यही है कि आप इस जीवन को जितना सेलिब्रेशन के साथ जीते हैं, जितना नाचते हुए गाते हुए जीते हैं, उतना जो है जीवन में अर्थ आ जाता है, उतना जो है आप परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं। वो एक छोटी सी बात कहते हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, कि हंसते खेलते और ध्यान धरते हुए अपने जीवन को बिताओ, और इसके अंदर पूरी कंप्लीशन आ जाती है आपकी लाइफ की। और लाइफ अपने आप में कंप्लीट है अगर देखा जाए तो, जिसमें आप हंस सकें, जिसमें आप गा सकें, जिसमें आप नाच सकें, और जिसमें आप ध्यान कर सकें।
ये सत तत्व वो हैं जो आपको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि परमात्मा से बेटर वर्ड, गॉड से बेटर वर्ड जो है वो लाइफ है। लाइफ से बड़ा गॉड और कौन हो सकता है? लाइफ को देखा है, लाइफ को जिया है, लाइफ को महसूस करा है। और गॉड अपने आप में जो है वो फिलॉसफी बन के रह जाता है। अगर हम गॉड की बात करें, उसको कहीं, उसको देखा नहीं है, उसके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन लाइफ जो है जी है, लाइफ को महसूस किया है। तो लाइफ जो वर्ड है वो बहुत गहरा जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्ड गॉड से। इसलिए वो जो एक एनलाइटनमेंट का जो एक्सपीरियंस है, जिसको हम कहते हैं वो जो बुद्धत्व का जो एक्सपीरियंस है, उसको जो है अगर उसको अगर थोड़ा सा महसूस करना हो, थोड़ा सा उसको कहना हो, तो वो सेलिब्रेशन के तरह कहा जा सकता है। उसको हम कह सकते हैं कि वो एक गॉडलीनेस है, कि जितना आदमी अलाइव होता है, जितना उसके अंदर लाइफ होती है, उतना जो है वो गॉड होता है, और उतनी ही सेलिब्रेशन जो है उसके अंदर होती है। तो गॉड अपने आप में जो है एक सिंबल है सेलिब्रेशन का। अगर आप शिव को देखें तो वहाँ पे भी जो सिंबल है वो नटराज का, वो भी लाइफ का जो है एक डांसिंग एक फॉर्म है। कि लाइफ को अगर दिखाना हो तो सेलिब्रेशन के साथ दिखाना पड़ता है। और जब परमात्मा के दरवाजे पे जाना हो, जब गॉड से मिलना हो, तो आपको क्या लगता है, क्या आप उदास जाएंगे, रोते हुए जाएंगे, तो वो खुश होगा? नहीं, जितना आप हंसते मुस्कुराते नाचते गाते जाएंगे, अपने अंदर जो है आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होगा, एक थैंकफुलनेस होगी, आपके अंदर एक धन्यवाद का भाव होगा, रोते हुए चेहरे, लंबे चेहरे, उदास चेहरे, वो कहाँ से गॉड के साथ कनेक्शन बनाएंगे? गॉड अपने आप में जो है एक हंसता गाता हुआ, एक हंसती गाती हुई वाइब है। अगर उस वाइब के साथ जुड़ना हो, उस सेलिब्रेशन के साथ जुड़ना हो, उस प्रकाश के साथ जुड़ना हो, तो फिर वो तत्व जो है वो आपके भीतर भी आ जाना चाहिए, तभी आप जो है उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब भी आप दुखी होते हैं, भगवान को याद करते हैं और भगवान के नज़दीक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी खुशी में, अगर हम अपने आनंद के अंदर उसको याद करेंगे, तो गॉड जो है जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, परमात्मा जो है जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तभी कहते हैं दुख में सिमरन सभी करें, सुख में करें ना कोई। अगर आप सुख में कर लें तो उसके साथ जुड़ सकते हैं। अब दुख में जो है जो सिमरन कर रहा है वो एक तरह की मजबूरी के कारण कर रहा है, क्योंकि हार गया है, उसकी कोई आशा मर चुकी है, उसी के कारण जो है वो एक मजबूरी के कारण जो है वो भगवान को याद कर रहा है। लेकिन असली याद करना वही होगा जब आप खुश हैं, जब आप अपने भीतर आनंदित हैं। और यही एक एसेंस है इस कार्ड का, कि आप अपने अंदर जो है वो एक सेलिब्रेशन का जो आपका नेचर है उसको हमेशा याद रखिए। कि कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जीवन जो है आपको ऊपर लेके जाए चाहे नीचे लेके जाए, आपकी जो एक नाचने गाने वाली जो प्रवृत्ति है, जीवन जो आपको जो है एक खिलावट के तौर पे जो मिला है, वो हमेशा खिला रहे। कि जब मृत्यु भी हो तो आप मृत्यु में भी जो है वो हंसते और खेलते हुए जाए, उस सेलिब्रेशन की तरह जाए। कि जब वो आ जाए तो उसके लिए भी स्वीकार है। इसलिए हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, कि हंसना खेलना भी है और जीवन में ध्यान भी करना है, तब जाके जो है एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट होता है। कि आप एक्सट्रीम्स में नहीं जाते, फिर आप जो है एक मिडल पाथ लेते हैं, जिसको हम मध्यम निजा भी कहते हैं, जो कि बुद्ध का मार्ग है। जब हम भगवान की बात कर रहे हैं, जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं, जब हम जीवन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सीरियसनेस जो है नहीं चलती। हम कहते हैं कि लाइफ में सीरियस हो जाओ, लाइफ में जो है कुछ करो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो। बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग सीरियस। आप जितना आप लाइफ को जो है नॉन सीरियसली लेंगे, जितना उस सेलिब्रेशन के भाव में लेंगे, उतना लाइफ के जो है गहरे मीनिंग को भी जान पाएंगे। और याद रखिए, मैं एक्सट्रीम्स की बात नहीं कर रहा। मैं तभी जो है एक उसके अंदर जो है हमने ध्यान का तत्व भी उसमें जोड़ दिया, कि हंसने खेलने के साथ ध्यान भी होना चाहिए। तो सेलिब्रेशन और कुछ नहीं, उस परमात्मा के साथ जुड़ने का एक धन्यवाद है।
कि लाइफ ने इतना कुछ दिया है, लाइफ के गिफ्ट्स जो हैं आपको इतने मिले हैं, उसका धन्यवाद नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तभी सेलिब्रेशन। इसलिए सेलिब्रेशन इज वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल कार्ड्स। तो ये भाव आपके भीतर जो है हमेशा रहना चाहिए, टू लिव अ लाइफ ऑफ सेलिब्रेशन। और अगर हम इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर करें तो दोनों जो हैं अपने आप में बहुत सिमिलर नेचर के हैं। राइडर वेट जो है अपने आप में एक फिजिकल, एक बाहर की एनर्जी की बात कर रहा है, कि जिसमें बताया जा रहा है कि एक प्रॉब्ली यू नीड अ रीज़न, आपको एक रीज़न की ज़रूरत है सेलिब्रेशन की। लेकिन उस सेलिब्रेशन के साथ अगर हम देखें तो वहाँ पे लाइफ जो है रिफ्लेक्ट करती है, वह लाइफ जो है ब्लॉसम करती हुई दिखती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जब हम जो है द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन को देखते हैं, वहाँ पे आपको कोई कारण नहीं चाहिए सेलिब्रेशन का, वहाँ पे सिंपली एक एनर्जी जो है फ्लावर कर रही है, कि लाइफ जो है अपने आप में ब्लॉसम कर रही है, उसको कोई कारण नहीं चाहिए। लाइफ अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि उसको कोई कारण की ज़रूरत नहीं कि उसको सेलिब्रेट करना है। लाइफ अपने आप में एक सेलिब्रेशन है, और यही कार्ड जो है आपको लाइफ की याद दिलाता है, आपको गॉड की याद दिलाता है। एक कहानी मैंने सुनी है, एक परिवार में एक बहुत पुराना जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा था। वो दादा परदादा के ज़माने से बहुत पुराना जो है, लोग उसको, जो परिवार के लोग थे उसको देख रहे थे। 4-5 जनरेशन हो गई थी वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और अब तो उसमें धूल मिट्टी भी जम चुकी थी। और अब परिवार के लोग कह रहे थे अब इसको जो है फेंका जाए, क्योंकि ये ऐसी जगह घेर के बैठा हुआ है, ये किसी को दान दे दो या बेच दो। तो जब ये डिस्कशन चल रही थी तो उसी समय उन्होंने देखा कि कोई भिखारी जो है वो घर के बाहर से निकल रहा था। हम भिखारी कह रहे हैं, वो भिखारी जैसा ज़रूर दिखता था, हो सकता है वहाँ पे कोई संत भी हो सकता है वो कोई फकीर भी हो, लेकिन परिवार की नज़र में तो कोई भिखारी ही था। तो परिवार ने डिसाइड करा कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी को दे दो, इसने जो करना हो करेगा, हो सकता है इसके बेच के कुछ इसको पैसे काम आ जाए। तो उस भिखारी को घर बुलाया और ये जो संगीत का वाद्य था उसको कहा कि तू ले जा। भिखारी ने उस संगीत के वाद्य को देखा, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा, उसने एक कपड़ा मंगाया, उसको अच्छे से साफ किया और वो वहीं पे बैठ गया, और उसके तार जो हैं उसको छेड़ने लगा उसके, और धीरे धीरे जो है उसको बजाने लगा। जैसे ही उसने बजाना शुरू करा, जो परिवार के लोग थे वो मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी सुंदर आवाज़ उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी, और उसकी आवाज़ सुन के और भीड़ इकट्ठा हो गई, आसपास पड़ोसी के लोग भी आ गए, सब के सब जो है उस संगीत को सुनने लगे जो उस पुराने वाद्य से निकल रहा था। जब भिखारी ने अपना संगीत ख़त्म करा, उसके बाद उसने जो है उसने उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को अपने बैग में रख के जैसे ही चलने लगा, परिवार ने कहा कि हमसे गलती हो गई, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो संगीत का वाद्य है, हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे जनरेशन से पड़ा हुआ है। तो भिखारी ने कहा कि देखो, वाद्य उसी का है जो बजाना जानता है, ये तुम्हारे किसी कीमत का नहीं है, ये पड़ा रहे, ये होगा तुम्हारे दादा परदादा के ज़माने का, कोई ना कोई बजाता होगा, लेकिन म्यूज़िक का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसी का जो बजाना जानता है। तो लाइफ भी वही है, लाइफ भी उसी की है जो जीना जानता है, जो उसको सेलिब्रेट करना जानता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन का। आप भी हंसते रहिए, खुश रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए लाइफ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।